वर्तमान में भावी मुखिया प्रत्याशी गंगा दलित देवी जी के पति राम नंदन चौधरी जी, चलिए हम इनसे कुछ बात करते हैं। आप तो किस पंचायत से? मैं बोरहा पंचायत से हूँ। क्या आप इससे पहले भी मुखिया पर थे, तो किस तरह से लोगों को आप मतलब सेवा की? मैं पहले भी मुखिया पति 5 साल तक था और उस पीरियड में मैंने जनता के सामने, जनता के समक्ष घर जाकर, गांव ग्राम जाकर, गली मोहल्ला जाकर मैंने उन लोगों का सेवा किया। 1400 वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जातीय आवासीय वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने बनाया है और जनता के बीच रहकर उनकी सेवा किया। अगर आप लोगों द्वारा मुखिया पद के लिए चुने जाते हैं, तो आप क्या कुछ ऐसा कीजिएगा कि जनता का प्यार आप पर बना रहे? मैं हारने के बाद 850 पेंशन, पहले 850 पेंशन अभी हारने के बाद बनाया हूँ और हारने के बाद जनता के बीच जाकर गली मोहल्ला हर जगह उनका दुख सुख सुना हूँ और दुख सुख में साथी रहा हूँ और हारने के बाद 850 वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह वगैरह बनाया हूँ और मैं भरोसा करता हूँ या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरे पंचायत में जाइए और कम से कम 100 आदमी से पूछिए कि इनका कार्यकाल कैसा रहा या आप लोगों को सेवा में इन्होंने कैसे समय बिताया या जो कह रहे हैं इन्होंने कि मैंने इतना पेंशन बनाया, तो 100 आदमी से यदि पूछेंगे आप, 100 में 90 आदमी निश्चित रूप से कहेंगे कि मेरा पेंशन उन्होंने ही बनाया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं हारने के बाद भी आपके सेवा में जुड़ा रहा। आपका मैंने मजदूरी किया है, अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जब आप अपने पंचायत में जाते हैं तो लोगों को कितना समर्थन मिलता है? मुझे पंचायत में जनता का बहुत प्यार और समर्थन सब कुछ मिलता है। मैं जनता से पहले से ही खुश हूँ और जनता भी मुझसे खुश है। मैं उन्हें उनका प्यार, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ और भावी 5 साल मैं बना मुखिया पति तो मैं जनता की सेवा में हर दुख सुख में शामिल रहूंगा या कोई भी योजना आवेगा मैं उनके सामने समर्पित करूंगा। केवल मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। हम आशा करते हैं कि जनता की उम्मीद पर आप खरा उतरे हैं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।